भाई एक काम कर, तो सबसे पहले फ्लाइट में हम सबके टिकट बुक करा। चल, चार पांच दिन तक एक भी फ्लाइट नहीं मिलेगी, सब बुक है। ओ जेठापुरा, अहमदाबाद में एक दोस्त है मेरा शेरा, उसकी ट्रैवल कंपनी में, उसको फोन लगाता हूँ। लगा लगा। अरे डप्पू के पापा, कैरीबियन कहाँ है? कहाँ गए? कहाँ चली गई कैरीबियन? ओ कैरीबियन, किधर जाना है? कहाँ चली गई? यहाँ जो वो सफेद बस खड़ी थी, पता है, और वो ये सारे लोग खाना खा रहे थे, वो सब कहाँ चले गए? वो सब तो गए। पत्रकार पोपटलाल को बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। इनको तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन फिलहाल ये सोचना पड़ेगा कि मैं मुंबई कैसे पहुंचूं। से लोग आ गए। अच्छा, फिर तो मेरे लिए मिठाई जरूर गोपाल लाई होगी। कोणाचं काय तर कोणाचं काय, सही बात है। घर बोझा कम झोल। अरे ये तो आ गए। हाय हाय, मजा आया। सामान ले लिया सारा? ले लिया ले लिया। आहा, गोकुल धाम सोसाइटी, कितना अच्छा लगा। थैंक यू पापा जी। घर है घर। आओ भिड़े। अरे भिड़े क्या भिड़े जेठालाल, रात को बाद में तुमने मेरा फोन उठाया क्यों नहीं? अरे टेंशन की वजह से सो नहीं पाया मैं। और तुम्हारा फोन उठाता तो मैं सो नहीं पाता। अरे एक ही सवाल का कितनी बार जवाब दूं तुझे? अभी कहाँ पहुंचे? तुमको क्या मैं रनिंग कमेंट्री दूं किधर पहुंचे? तुम्हारे लिए लोकल फोन है, मेरे को तो रोमिंग लगता है ना भाई उधर। सही बात है। और माधवी, तुम्हें तो समझना चाहिए था ना कम से कम। हो मी। अरे काय म्हणते, अरे कल आने वाले थे, दूसरे दिन वापस आ रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है कि कोई भी काम करने से पहले उसका पूर्व नियोजन होना बहुत आवश्यक होता है। हो ऐकून तो। अरे काय ऐकून क्या, तुम्हारे किसी भी काम में कोई सुसूत्रता ही नहीं है। अगर तुम ही ऐसा व्यवहार करोगी तो सोनू पर क्या संस्कार पड़ेंगे? ओ सोडी पाजी, ये धार्मिक चैनल बंद कराओ। और मेरा हिसाब कर दो, वो बड़ी दूर जाना है मैंने। अरे हाँ हाँ शेरा, कितना हो गया तेरा? ओ सोडी, होते तो 22,000 हैं। पर तू अपनी जान है, ओए पापा जी, तू 20,000 दे दे। 20,000? बस का 20,000 अहमदाबाद से मुंबई का? अरे भाई प्लेन का अभी अहमदाबाद से मुंबई का 1,800 रुपया टिकट है, और 9 जन हम लोग प्लेन से आते हैं तो 9 जन का 16,200 होता, तो बस से भी हमको सस्ता पड़ता भाई। हाँ अरे वो जहाँ तुम थे क्या प्लेन तुम्हें लेने आता? बल्ले, 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 बल्ले। और यहाँ घर तक तुम्हें छोड़ने आता? ओ सोडी, तेरा बताए ने, और मेरी बस ने इन्हें प्लेन से अच्छी सर्विस दी है। हाँ जेठापुरा, ये सही कह रहा है, इसकी बस ने तो पोस्टमैन जैसा काम कर दिया। क्या? हाँ? जेठालाल, वो पोस्टमैन चिट्ठी डोर टू डोर डिलीवर करता है ना, वैसा कह रहा है वो। अरे ओ मेरी समझ, तुम यार छोड़ो ना यार जेठापुरा, चलो उसके पैसे दे देते हैं। हाँ दे दीजिए। मेरे पास 7,000 रुपए हैं, तुम्हारे पास? मेरे पास 10 एक होंगे। हाँ 10 है। हेलो, तुम क्या खड़े हो, जेब में हाथ डालो भाई, खींचे में हाथ डालो, बाद में हिसाब कर लेंगे। हाँ बराबर, ये 17 हो गए, तो आपके पास कितना है? ये 2800 है, 2800।
2800 मतलब ये हो गया 19,800। ए बेटा 200 निकल। मैं क्यों दूं? मैं थोड़ी आया था अहमदाबाद। भाई तू नहीं आता, मैं बाद में दे दूंगा, अभी इसको देना है, देना भाई। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। हाथी भाई बात पैसे की नहीं है, लेकिन बात यहाँ पैसों की है ना। ये 200 भाई। हाँ 200 बाद में दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं। हेलो पाजी 20,000 रुपया। धन्यवाद। ओ सॉरी पाजी, चल रहा उड़ीसा जा रहे हैं, बोल दे तो नाल चलो। ओए चगली बार चलांगे यार। हाँ चंगा जी, सत श्री अकाल। चंगा, सत श्री अकाल जी। अरे हाँ अंजलि भाभी। हाँ दया भाभी। बच्चे लोग स्कूल गए? हाँ बच्चे लोग सुबह अच्छे से उठ के नाश्ता करके ऑन टाइम स्कूल पहुँच गए। थैंक यू। हाँ आपको परेशान तो नहीं किया है ना? हाँ नहीं, मुझे उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। अरे बाप रे, आप लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की? हाँ, मेरे वीरा सुंदर ने इतने सारे चनिया चोली सस्ते में दिलवाए हैं। वाह भाई वाह। और आपके लिए 2 जोड़ी मस्त चनिया चोली लाई हूँ। अरे वाह, थैंक यू दया भाभी। चला चला, अभी इधर ही खड़ा रहना, चला घर भी जाना। अरे चला भाई, आप लोग के साथ पोपटलाल भी किया था ना। कहाँ है वो? कहीं वो अहमदाबाद में ही तो दुनिया नहीं ला रहा। नहीं आते भाई, वो क्या हुआ, वो पोपटलाल जरा और रास्ते में छूट गया। छूट गया मतलब? मतलब क्या हुआ? कैरी बहन कहाँ है? कहाँ चली गई कैरी? कैरी बहन, ओ कैरी बहन, अरे आपके पास तो क्या? कैरी बहन, कैरी बहन, अरे आंजल, अरे कैरी बहन कहाँ गए थे आप? वॉशरूम गई थी। टप्पू के पापा आ गए कैरी बहन। चलो आ गए, बैठो बैठो। मतलब कैरी को ढूंढने के चक्कर में खुद ही गुम हो गया? वैसे अभी है किधर वो? हाँ, वो आ रहा है, रास्ते में ही है। उसका बरोडे से फोन आया था कि आ रहा है वो। हाँ? कैसे आ रहा है? तुम इधर खड़े रहो, आएगा तो उसको पूछ लेना कैसा है। हाँ? चलो चलो यार दया, तेरा मसाला चाय भाई पिलाओ, घर पे जाकर भाई जरा थोड़ा थकोड़ा उतरे। अरे हाँ, ये 2 कलर है इसमें और एक ब्लू भी है। हाँ, ये बहुत अच्छा दिखेगा। लीजिए। और ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई की है। खर्चा तो निकल गया यार सच्ची। हाँ, और ऊपर से हम सब के चनिया चली तो फ्री में। हाँ करेक्ट। अरे हाँ। अरे ऊपर से मुनाफा भी हुआ है। हाँ सच्ची। अरे वाह क्या बात है। तो कुबे बॉबी हम एक काम करते हैं, इस मुनाफे में से हम सोसाइटी वालों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। गुड, वेरी गुड आइडिया। मस्त आइडिया है। बाजी बाबी हम भी आपकी तरह बिजनेस वुमन हो गए हैं। मेरी माँ को जब पता चलेगा ना तो वो कहेगी दया तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है बेटा। वाह क्या बात है दया भाभी। दया भाभी इस साल की नवरात्रि सुपर हिट हो गई। दादाजी अगली बार आप अंबाजी जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। हाँ हाँ, अगले साल हम सब साथ में अंबाजी जाएंगे। ये लीजिए बापूजी,
हाँ हाँ साथ में अंबाजी जाएंगे बापूजी। सच कहूँ बापूजी, मैं तो माता जी का फोटो भी देखती हूँ ना, तो मुझे बैनर्जी मिल जाती है। मम्मी बैनर्जी नहीं, एनर्जी। हाँ हाँ बेटा वही। अरे बहू, तुम्हारा अहमदाबाद का दौरा कैसा रहा? अरे बापूजी बहुत मजा आया। हम लोग प्लान से अहमदाबाद गए थे और पता है वहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? मेरे वीरा सुंदर ने वो फिल्मों में खुली जीप होती है ना, उसमें हम सबको बिठा कर पूरा अहमदाबाद घुमाया। सभी बलवान गलियों की धड़कन में बसी है अहमदाबाद की जान। हो जीरे अहमदाबाद की जान। मतलब अहमदाबाद में गरबा की धूम मचा दी है? हाँ। अरे दादाजी धूम तो आज गोकुलम सोसाइटी में भी मचेगी, गरबा और डांडिया की। क्या मम्मी? हाँ। ए हेलो भाई, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लगता है हिंदुस्तान में जब हमारे सारे उत्सव इस धूमधाम से मनते हैं। गोकुल धाम में जिस तरह से सारे त्योहार मनते हैं, अगर सारा हिंदुस्तान ऐसे मनाने लगे तो त्योहारों की शान बढ़ जाए। वैसे एक बात तो है, हमने नवरात्रि मनाना प्रारंभ तो किया, लेकिन सच कहूं तो गोकुल धाम के सारे निवासी इकट्ठे नहीं थे तो मजा नहीं आ रहा था। आप सारे लोग अहमदाबाद क्या गए, हमारा तो आनंद ही चला गया। लेकिन अब आप लौट आए हैं तो सोचिए आज कितना धमाल होने वाला है। आज हम धूमधाम से शानदार गरबा मनाएंगे। एक मिनट, ओहो पवन लाल मेरा दोस्त आ गया, वेलकम वेलकम। हाँ वेलकम भाई वेलकम। अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा वेलकम। अरे वेलकम वेलकम छोड़ के चले आए मुझे रास्ते में। सोड़ी अय्यर जेठालाल तुम लोग मुझे भूल कैसे सकते हो? या भाई ये सब सोड़ी की वजह से हुआ। ओए पापा जी। इतनी बार चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो कर रहा था। और ठीक है जेठा पर यार, मैं कह रहा था जल्दी करो जल्दी करो, पर तुम भी पीछे देख सकते थे ना कि कौन रह गया कौन नहीं रह गया। अरे भाई मैं क्या बस का कंडक्टर हूँ, जो चेक करो सब पैसेंजर लोग आए कि नहीं। नहीं जेठालाल बहाने मत बनाओ, सारी गलती तुम्हारी है। एक मिनट पत्रकार पोपटलाल, गलती मेरी नहीं है। अभी सच बताऊं ना तो ये सारे मोकान की जोड़ ये भीड़ ही है भाई। मतलब गलती भीड़ की है। गलती मेरी कैसी, मैं तो वहां पे आया भी नहीं था। हाँ तुमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुम इधर गोकुलधाम में बैठे बैठे पूरा सत्यानाश कर सकते हो। अबो ये भीड़ बार बार फोन कर रहा था। हेलो किधर पहुंचे, हेलो किधर पहुंचे, उसमें सोटी चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। तो हो सब टेंशन में, मैंने भी चलो 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 निकालो बस निकालो, ऐसा हो गया भाई। हाँ तुम लोगों के लिए बहुत आसान है ये बोलना कि जल्दी जल्दी में हम लोग निकल गए, लेकिन किसी ने ये पता नहीं किया कि पोपटलाल कैसा है, कहाँ है, किस हालत में है। पता है मैं चार चार ट्रक बदल कर यहाँ तक पहुंचा हूँ, हालत देखो मेरी कैसी है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नवरात्रि खेलना शुरू कर दिया सब लोगों ने। तो बुरे कपड़े पहन के नवरात्रि कैसे खेल सकते हैं? बहुत गलत काम किया, मैं दुनिया हिला दूंगा दुनिया हिला दूंगा दुनिया हिला दूंगा। Calm down, Pocketlow. अब गुस्सा छोड़ दो।
जल्दी से जाकर कपड़े बदल कर और हम सब के साथ गरबा खेलना आ जाओ। कैरी, तुम जब इतना कैरी हो तो अब ठीक है, मैं गरबा खेलूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। वेरी गुड, पोपट के गाल गुलाबी हो गए। हाँ, ट्रक में बैठ के पीठ लाल लाल। चलिए चलिए चलिए, पोपट लाल का बस चलता तो ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाता। थैंक यू कैरी, तुम्हारी वजह से पोपट लाल अब गरबा खेलने आ रहा है। आइए तो हम मिलके सब गरबा शुरू करते हैं। अरे मैं तो सब रुकिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ भाभी कहिए। भाभी जी, थैंक यू, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अहमदाबाद की जो चनिया चोली लाके हमने बेचे हैं उसमें से बहुत सारा फायदा हुआ है और उसमें से हमने सबके लिए गिफ्ट खरीदी है। ओहो दया बाबू जी, दिस इज ग्रेट। और वो है चाय पीने के लिए कप रखा भी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस गिफ्ट। तो आप गरबा शुरू करें। तो बोलिए अंबे मात की जय। तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। आज चांद और चांदनी कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नवरात्रि पर्व संपन्न भी हो गया और पता ही नहीं चला वक्त कब क्यों कैसे किस तरह से गुजर जाता है, क्या पता ही नहीं चलता। कब पालने में खेलता हुआ बच्चा जवान हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कब छोटी सी बिटिया शादी करके विदा हो जाती है,
पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं कब एग्जाम पे एग्जाम और इलेक्शन पे इलेक्शन आते हैं, वक्त का पता नहीं चलता, कब बच्चे दीदी दीदी कहते कहते आंटी आंटी कहने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए जिंदगी में हंसते रहिए, क्योंकि वक्त कब निकल जाएगा पता नहीं चलता। जैसे तारक मेहता का एपिसोड कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। एपिसोड खत्म जरूर हुआ है, लेकिन पोपटलाल और कैरी की लव स्टोरी नहीं, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, हंगामे ही हंगामे। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।